हेलो एवरीवन वेलकम अगेन दिस इज़ विनय पांडे लेक्चरर उत्तराखंड लेक्चरर के 2008 का जो पेपर था उसके कुछ क्वेश्चन मैंने uh, एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए थे जो 2018 के उत्तराखंड लेक्चरर मैथ्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं आज भी उत्तराखंड का लेक्चरर का 2018 में जो पेपर हुआ था लास्ट पेपर जो हुआ है उसके कुछ क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर मैंशन किए हुए हैं इन क्वेश्चंस को वन बाई वन हम सॉल्व करते हैं देखिए जो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ हमको दिया हुआ है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विथ मॉड बीटा इज इक्वल टू टू देन इसकी वैल्यू हमको निकालनी है देखिए आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा मॉट जेड स्क्वायर इज इक्वल टू होता है जेड इंटू जेड बार तो अगर हम मॉट बीटा इज़ इक्वल टू हमको टू दिया हुआ है तो मॉट बीटा इस्वायर कितना हो जाएगा इट विल बी फोर एंड मॉट बीटा कैन बी रिटर्न हैज बीटा इंटू बीटा बार नाउ अब जो वैल्यू हमको निकालनी है वो है बीटा माइनस एल्फ़ा अपॉन फोर माइनस एल्फा बार बीटा तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन फोर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार इंटू बीटा क्लियर है अब जो बीटा है वो कॉमन हम लेंगे तो मॉड बीटा हो जाएगा बाहर आकर के ये हो जाएगा मॉड बीटा माइनस अल्फा अपॉन मॉड बीटा बार माइनस अल्फा बार और अगले स्टेप में आपको पता होगा कि अगर दो कॉन्जुगेट हैं तो उनका होल कॉन्जुगेट वो बन जाता है एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप मॉड uh, निकालो या uh, उसके कॉन्जुगेट का मॉड निकालो तो वो दोनों वैल्यूज़ क्या आती है इक्वल आती है तो ये बीटा माइनस अल्फा इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इसका मॉड निकालो या इसके कॉन्जुगेट का मॉड निकालो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और मॉड बीटा की वैल्यू कितनी दी है इट इज़ गिवन वन वन मॉड बीटा टू है तो मॉट बीटा की जगह पर टू आ जाएगा तो आंसर विल बी वन बाई टू दिस इज़ द दोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ आई आपको निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का एक डायरेक्टली फॉर्मूला भी होता है फिलहाल मैं उस फॉर्मूले में न जाते हुए आपको डिटेल में ये बता दे रहा हूँ कि कैसे आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है अगर वो निकालना है तो वो कैसे आपको कैलकुलेट करना है तो लेट हम ये मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ आई जो है वो किसके इक्वल है एक्स प्लस आई वाई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ये आई हो जाएगा ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा इसमें कुछ इस तरीके से ये सॉल्यूशन आ जाएगा रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई क्योंकि इसको हम जीरो प्लस आई लिख सकते हैं तो रियल पार्ट ज़ीरो हो गया और ऐसे ही ई के कोफिशियट को इक्वेट करेंगे तो टू एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो गई वन हो गई दिस इज इक्वेशन नंबर टू देखिए अब अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखूं तो इट कैन बी रिटर्न एज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है जीरो उसका स्क्वायर करेंगे जीरो रहेगा प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू वन हो गई तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर वन आ गया तो इसकी वैल्यू वन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है जीरो है इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया वन तो एक्स टू कितना आ गया प्लस माइनस रूट टू ये x की वैल्यू को अगर आप यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी प्लस माइनस रूट टू तो ये दोनों वैल्यूज़ को अगर आप रखते हैं कहाँ स्टार्टिंग में जो आपने i को माना हुआ था उसमें तो आपको स्क्वायर रूट ऑफ आई मिल जाएगा ये ऑप्शन आपका मैच कर रहा है इसमें ठीक है स्टूडेंट्स ये हो गया दूसरे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन का सॉल्यूशन इस तरीके से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना है तो बड़ा ईजी मैथड है इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मॉड्युलस एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू टेन इसका सॉल्यूशन आपको बताना है देखिए टेन ये है इस मॉड में किसी भी वैल्यू को अगर हम रख रहे हैं सपोज़ ये जीरो है और ये है माइनस टेन अगर ये मॉड में वैल्यू टेन से बड़ी है तो आंसर आपका टेन से बड़ा आएगा या टेन के इक्वल आएगा और अगर इसमें वैल्यू माइनस टेन से छोटी है तो जैसे माइनस इलेवन अगर इसकी पूरे अंदर जो पूरा सॉल्व करके माइनस इलेवन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसका मॉड प्लस इलेवन बन जाएगा और मॉट अगर प्लस इलेवन बनेगा तो क्या होगा फिर से वो टेन से बड़ा आ जाएगा तो इट मीन्स आपको यहाँ पर एक्स प्लस थ्री की दो कंडीशन मिल रही हैं कि एक्स प्लस थ्री या तो टेन से बड़ा या उसके इक्वल होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए एक्स प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू माइनस टेन तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी पहले वाली कंडीशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी लेस देन इक्वल टू माइनस थर्टीन तो या तो x सेवन से बड़ा हो या उसके इक्वल हो यानी कि क्लोज इंटरवल ऑफ सेवन कॉमा इनफिनिटी या फिर माइनस थर्टीन से छोटा माइनस थर्टीन से छोटा कहाँ तक माइनस इनफिनिटी तक और माइनस थर्टीन भी इंक्लूड होगा क्योंकि माइनस थर्टीन अगर आप रखते हैं इसमें तो माइनस टेन और माइनस टेन का मॉड क्या बनेगा प्लस टेन तो वो भी कंडीशन सेटिसफाई कर रहा है और इसका क्या हो जाएगा यूनियन आप देखिए बी ऑप्शन आपका इसमें मैच कर रहा है तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की नेक्स्ट लॉग एक्स की अगर हम ग्राफ की बात करें तो लॉग एक्स का ग्राफ जो है लॉग वन ज़ीरो होता है कुछ जिस तरीके से बढ़ता है जीरो और वन के बीच में जो लॉग की वैल्यू होती है वो निगेटिव में रहती है माइनस में उसके बाद जो होती है वो पॉजिटिव होती है तो एक्चुअली अगर हम ये माने एक तो कंडीशन ये दी है कि ए जो है वो जीरो और वन के बीच में है एक्स जो है वो वाई से बड़ा है तो अगर हम बात करें लॉग ए बेस एक्स इसको अगर मैं सी मान लूँ तो इसका मतलब होता है कि ए की पावर सी करने पे क्या आ रहा है एक्स आ रहा है और इसी तरीके से अगर लॉग ए बेस वाई को मैं डी मान लूं तो इसका मतलब ए की पावर डी करने पे क्या आ रहा है वाई आ रहा है इसको समझना सबसे मेन है यहाँ पे अब हम बढ़ते हैं आगे देखिए कंडीशन जो हमें गिवन है वो ये है कि जो ए है वो जीरो और वन के बीच में है और एक कंडीशन ये है कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई अगर एक्स वाई से बड़ा है इसको ध्यान से समझेंगे आप अगर एक्स वाई से बड़ा है तो एक्स इक्वल है ए की पावर सी और वाई इक्वल है ए की पावर डी के क्लियर है ए की पावर सी इज़ ग्रेटर देन ए की पावर डी तो आप देखिए अगर ये जीरो और वन के बीच में है जीरो और वन के बीच में कोई भी नंबर अगर आप ले रहे हैं तो उसकी पावर जितनी आप बढ़ाएंगे जितनी बड़ी पावर करेंगे उसकी वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी जैसे जीरो पॉइंट फाइव का स्क्वायर करोगे आप जीरो पॉइंट फाइव की पावर फाइव करोगे तो ये और छोटा हो जाएगा ये वाला टर्म तो ए की पावर सी जो है वो ए की पावर डी से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब डी बड़ा होगा किससे से सी से और डी इक्वल है यहाँ देखिए आप डी इक्वल है लॉग ए बेस वाई के और सी इक्वल है यहाँ लॉग ए बेस एक्स के तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन इसका मैच कर रहा है आंसर हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन इज वन प्लस वन प्लस आई एक्स सॉरी वन माइनस आई एक्स प्लस वन प्लस आई वाई इज इक्वल टू वन माइनस थ्री आई इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स प्लस वाई प्लस आई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन माइनस थ्री आई रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा वन और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री इसको सॉल्व करेंगे तो टू वाई इज इक्वल टू आ गया माइनस टू वाई इज इक्वल टू आ गया माइनस वन वाई की वैल्यू माइनस वन रखेंगे तो एक्स कितना आ जाएगा टू तो फोर्थ आंसर जो है वो मैच कर रहा है फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका सिक्सटीन क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया आइए आगे, आगे बढ़ते हैं देखिए सेवनटीन क्वेश्चन जो है उसमें

जो होंगे जो स्पेशल वन होंगे उसके लिए वो उसके दोनों इधर साइड बैठ रहे हैं एक इस साइड बैठ रहा है और एक इस साइड बैठ रहा है तो ट्वेंटी वन में से ये थ्री अगर आपने छोड़ दिए तो बाकी जो बचे हुए हैं वो कितने हो गए एटीन लोग एटीन लोग को आपको इन्हीं में इधर आगे पीछे अरेंज करना है ये तीन फिक्स्ड हैं ये तीन में भी ए इधर आ सकता है और बी उधर जा सकता है ये तरीका हो सकता है बट रहेंगे दोनों इधर साइड तो इन प्लेसेस को अरेंज करने के कितने तरीके हो गए एटीन फैक्टोरियल और ए इस प्लेस पे बी इस प्लेस पे एक तरीका ये हो जाएगा ए इस प्लेस पे बी इस प्लेस पे एक तरीका ये हो गया इन टू टू तो टू इंटू एटीन फैक्टोरियल ये आपका इसका सी ऑप्शन हो जाएगा क्लियर है स्टूडेंट्स और एटीन क्वेश्चन है एन सी एट इज़ इक्वल टू एन सी सिक्स दिया हुआ है तो एन सी टू निकालना है एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ऊपर जो एन है वो दोनों में सेम है तो नीचे जो ये सफिक्स में जो नंबर्स आते हैं या तो ये दोनों इक्वल होते हैं या फिर इन दोनों का सम जो है वो एन के इक्वल होगा यानी कि एट प्लस सिक्स इज़ इक्वल टू कितना होगा एन के इक्वल तो एन कितना आ गया फोर्टीन और एन फोर्टीन आया तो हमको वैल्यू किसकी निकालनी एन सी टू की यानी कि फ़ोर्टीन सी टू फॉर्मूला लग जाएगा फोर्टीन फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू ट्वेल्व फैक्टोरियल तो ये हो जाएगा फोर्टीन इंटू थर्टीन अपॉन टू बाकी ट्वेल्व फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा कितना हो जाएगा नाइन्टी वन तो आई होप जो मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं वो वो आपको समझ में आए हैं